दिन भर के प्रायोजक हैं प्लैटिनम लव बैंड्स, क्योंकि ये एहसास है सबसे खास। एके टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, मातहतों को दिया निर्देश, किसान ना होने पाए बिचौलियों के शिकार। पुलिस मुठभेड़ में हुए दो शातिर अपराधी घायल, दो पुलिस कर्मियों को भी लगी गोली। मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में कराया गया भर्ती, 1-1 लाख का था इनाम। 36 घंटे की घेराबंदी के बाद मिली पुलिस को सफलता। गाड़ी पार्किंग के विवाद ने ली युवक की जान, गला दबाकर पड़ोसी ने ही की भाजपा नेता के भाई की हत्या। मोहद्दीपुर इलाके में मची सनसनी। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में आयोजित हुआ संगम साहित्य सम्मान समारोह, सम्मानित हुए साहित्यिक पुरोधा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुआ ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज। पादरी बाजार के पास पलटी ट्रक, कोई हताहत नहीं। और गोरखपुर में खुल गया बारबेक्यू रेस्टोरेंट, शहरियों को मिलेगी अलग जायके की सौगात। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन द्वारा धान क्रय केंद्र सहजनवा कालेश्वर लक्ष्मी राइस मिल स्वास्थ्य मिल गीडा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य विपणन अधिकारी भी साथ में मौजूद थे। साथ ही जिलाधिकारी ने साधन सहकारी केंद्र चंदा चडराव एवं विकास खंड सहजनवा अंतर्गत पंचायत भवन भगोरा गेहूं क्रय केंद्र को भी देखा। जिलाधिकारी ने किसानों से कहा कि 1750 रुपए से कम अगर कोई पैसा देता है तो हमें तुरंत सूचना दें, उस क्रय केंद्र पर हम तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर उसे दंडित करने का कार्य करेंगे। अरे सर, इस साल कहाँ बारिश हुई तो हम लोग समझिए सर। गत दिनों चौरी चौरा में पुलिस की टीम पर फायरिंग करने वाले दो अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। 1-1 लाख के इनामी बदमाश मिथुन और धीरू, जो कि कई दिनों से फरार चल रहे थे, आखिरकार पुलिस की मुठभेड़ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 36 घंटे की लगातार मेहनत के बाद यह सफलता पाई है, जिसमें दोनों तरफ से चली गोलियों में दोनों अपराधी घायल हुए हैं और दो पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। शाहपुर और गुलरिया थाने की टीम पिछले 36 घंटों से कैंप लगाकर इन शातिर फरार अपराधियों के फिराक में थी, जिससे आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। फिलहाल दोनों बदमाशों और दो पुलिसकर्मियों का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बारे में सिटी वन चैनल के संवाददाता से बात करते हुए और इस ऑपरेशन के संबंध में बताते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि कई दिनों से इन फरार अपराधियों की तलाश थी, जिसे आखिरकार पुलिस ने अपने दम पर गिरफ्तार कर ही लिया। 1-1 लाख रुपए का इनाम था। मिथुन पासवान के ऊपर लगभग 22 मुकदमे हैं और धीरू पासवान के ऊपर लगभग 13 मुकदमे हैं। दोनों रजिस्टर्ड गैंग D3 गैंग थाना कैंट के मेंबर हैं। इनके गैंग में और भी सक्रिय सदस्य थे और
पिछले महीने यानी 14/15 अक्टूबर की रात में थाना चौरी चौरा क्षेत्र में जब पुलिस पार्टी वहाँ पर गई थी सूचना के आधार पर, तो इनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जो है हमला किया गया था। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। घटना का अनावरण करके इनके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया था। 2 साथी मुठभेड़ के अंदर गिरफ्तार हुए थे। ये दोनों अपराधी तब से फरार चल रहे थे। आज सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची है तो इनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई है। आत्मरक्षा जब पुलिस की टीम के द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई है तो ये दोनों लोगों को गोली लगी है। 2 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। 4 लोगों का इलाज जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रहा है। और ये थाना गुलरिया की घटना है जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई थी। बाकी इन लोगों से पूछताछ करके और विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। पार्किंग के विवाद में आज गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर इलाके में बीजेपी नेता के भाई संजय सिंह की मनबड़ों ने गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के तत्काल बाद परिजनों ने इलाज के लिए संजय को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मौत की सूचना के बाद पूरे परिवार में कोहराम समझ गया। यह घटना आज सुबह कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर में कोबरा गली में उस वक्त घटी जब संजय अपने घर के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे। सामने रहने वाले जयसवाल परिवार को यह नागवार गुजरा और सब बात बात पर विवाद पर उतर गए। इतने में ही एक युवक ने संजय के गले पर हमला कर जोरदार तरीके से गला दबा दिया। संजय सिंह को अचेतावस्था में देख वह युवक मौके से फरार हो गया। यह घटना आग की तरह फैली। बंधु उपेंद्र सिंह समेत बीजेपी नेताओं का जमावड़ा अस्पताल पर जुट गया। डॉक्टरों की जांच में सतेंद्र मृत पाए गए, जिसके बाद तो परिवार को संभालना मुश्किल हो गया। चीख पुकार से लोगों का कलेजा दहल उठा। संजय के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री बंधु उपेंद्र सिंह ने भाई की हत्या में शामिल लोगों की पुलिस से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, तो इसका घटना के प्रत्यक्षदर्शी अमित पांडे ने बताया कि हत्या के आरोपी लोग मनभड़ किस्म के हैं और अक्सर मोहल्ले में लोगों से विवाद कर लेते हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी सिटी विनय सिंह ने कहा कि आरोपी जो भी हो उसकी गिरफ्तारी जल्द होगी। कुछ लोग हिरासत में पूछताछ के लिए लिए भी गए हैं। सिरिवन के संवाददाता से बात करते हुए प्रत्यक्षदर्शी अमित पांडे ने कहा कि यह परिवार मनबड़ किस्म का था और आए दिन लोगों से बवाल काटा करता था। ये दुकान है, दुकान पहुंचने की जल्दी रही होगी, लेकिन रास्ते वहाँ पे 2 हैं, वो कहीं से भी जा सकते थे, लेकिन अपना उजड़पना की वजह से वो लोग वही जबरदस्ती करने लगे। और ये बेचारे आए तो सीधे साधे सज्जन आदमी है, लेकिन अब मोहल्ले के ही हैं वो सब। नहीं, पुरानी दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है उनकी पहले से। हमसे भी एक बार झगड़ा हो चुका है, अब 3-4 महीने हो गए। वहीं घटना के बारे में बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस ने हत्या के 3 आरोपी पिता और 2 पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है उपेंद्र सिंह बंधु जी, उनके भाई हैं सत्येंद्र सिंह और संजय सिंह। आज बंधु जी से मिलने गए थे उनके घर पे, वहाँ पे पड़ोसी परिवार के साथ पड़ोसी परिवार ने मारपीट किया है। इनको चोटें आई हैं, यहाँ पनेसिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मेडिकल कॉलेज ले जा रहे हैं लोग। संगम जो कि एक सांस्कृतिक साहित्यिक और सामाजिक संस्था है, इसकी ओर से संगम सम्मान का और काव्य संध्या का आयोजन दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रति कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय एसके दीक्षित, विशिष्ट अतिथि के रूप में कुलपति मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय श्रीनिवास सिंह, अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम अचल सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत सरस्वती माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई और इसके तुरंत बाद इस सम्मान समारोह की शुरुआत हो गई, जिसमें साहित्यकार इस संगम सम्मान समारोह में सम्मानित हुए। निश्चित रूप से
सर आप भी आ जाओ प्लीज। बेसिक ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता नगर क्षेत्र का आयोजन राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय नगर क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जयप्रकाश विशेष अतिथि के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह एवं खंड शिक्षा अधिकारी ब्रह्मचारी शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई और उसके बाद इस क्रीड़ा प्रतियोगिता की शुरुआत की गई जिसमें भारी संख्या में बच्चों ने हिस्सेदारी ली। इस बारे में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे इस कार्यक्रम में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जयप्रकाश ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों के अंदर मानसिक के साथ साथ शारीरिक क्षमता का भी विकास होता है। ये नगर क्षेत्र की बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है जिसमें परिषद के और सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारा रिश्ता उन्होंने अरेंज किया और शादी हमने। शादी से बिल्कुल पहले हमने पाया How this came to be, अपना डे ऑफ लव। My love is a mystery, who knows? Platinum Love Bands, क्योंकि ये एहसास है सबसे खास। AK Tent and Caterers, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935909081। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्ण अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद द मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। हे गाइस, इट्स AKash, यू आर वाचिंग गोरखपुर सिटी वन नंबर वन चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी, सिटी वन चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शाहपुर थाना अंतर्गत पड़ने वाले कौवा बाग चौकी के पादरी बाजार बाईपास के मोड़ पर रात करीब 1 बजे अनियंत्रित होकर लोडेड ट्रक पलट गई। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।
गोरखपुर सिटी मॉल में बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट खुल गया है। लाइव ग्रिल कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। नॉनवेज और वेज स्नेक को खुद ही ग्रिल करके खाने के कॉन्सेप्ट पर यह रेस्टोरेंट चल रहा है। बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट कैजुअल डाइनिंग में भारत का सबसे बड़ा और अग्रणी ब्रांड है। यहाँ के टेबल पर अपने ग्रिल्स के साथ एक लाइव किचन का भी एहसास मिलेगा, यही इस रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी खासियत है। अपने इस उद्घाटन के बारे में बात करते हुए बारबेक्यू नेशन के नॉर्थ इंडिया के हेड ऑफ कॉरपोरेशन मनीष पांडे ने कहा कि यह गोरखपुर के लिए अपने आप में एक नई चीज है। के लिए अच्छे सर्विस के लिए एक डू इट योरसेल्फ क्यूजीन को प्रमोट करता है बारबेक्यू नेशन, जिसमें कि आप देखेंगे टेबल पे एक स्लॉट बना रहता है जिसमें कि लाइव ग्रिल आता है, जिसमें हम स्टार्टर सर्व करते हैं, स्कीवर्स में स्टार्टर सर्व करते हैं, कुछ प्लेटर टू प्लेट स्टार्टर सर्व करते हैं, वेज और नॉनवेज स्टार्टर्स होते हैं जो कि अनलिमिटेड सर्व होते हैं। और अगर मैं वैराइटीज़ की बात करूँ तो नॉनवेज में प्रॉन्स, फिश, चिकन, मटन की वैराइटीज़ हैं, वेज में है पनीर है, कॉर्न है, पोटैटोज़ है, फ्रूट्स हैं, फ्राइड कबाब है। तो दोनों मिला के कम से कम 12 से 14 स्टार्टर्स हम अनलिमिटेड सर्व करते हैं। एक बार जब स्टार्टर्स फिनिश हो जाता है तो हमारा मेन कोर्स बुफे में लगा होता है। बुफे में सेम वैराइटीज़ हैं, वेज और नॉन वेज की दोनों वैराइटीज़ हैं, अलॉन्ग विद सूप है, वेज और नॉन वेज सूप है। मेन कोर्स के बाद हमारा डेजर्ट काउंटर है, डेजर्ट काउंटर पर बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, हॉट है, कोल्ड है, इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, हर तरह के आपको डेजर्ट मिलेंगे। डेजर्ट ख़त्म होने के बाद हमारा एक स्पेशल काउंटर है, कुल्फ़ी काउंटर, कुल्फ़ी नेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें कि 7 से 8 वैराइटीज़ कुल्फ़ी की हैं, लेकिन टॉपिंग्स और सिरप्स मिला के आप उसको मतलब 40 से 45 वैराइटीज़ आप बना सकते हैं। अपने सामने आपको कैसा कुल्फ़ी खाना है टॉपिंग्स दे के आपको सर्व कर सकते हैं। जो खास बात है गोरखपुर बारबेक्यू नेशन की, जो कि बाकी जगह पे आपको जो नए मॉडल जो हम जा रहे हैं, ऑलरेडी आप देखेंगे लाइव किचन हमारा बना हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम जो टेबल सर्व होता है, कुछ चीज़ें हम सामने बनाते हैं, तो वैराइटीज स्टार्टर्स के एक्स्ट्रा। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।